वेलकम टू सुपर ग्रेड्स कैट। आई एम पंकज अजीत एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। ऑलरेडी वी हैव टेकन केयर ऑफ मंथ ऑफ सेप्टेंबर अक्टूबर एज वेल एज नवंबर। इन टाइम टू कम विल डिस्कस फॉर जैन फेब मार्च एज वेल एज अप्रैल 2024। सो वी स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू मस्ट रिमेंबर इन द मंथ ऑफ नवंबर देयर वर इलेक्शंस इन फाइव डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, राइट? पांच अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे। But the result was were declared in the month of December, that is the first week of December. मुझे पांच states में चुनाव हुए थे, उनमें these are the four states, चार states की पहले हम बात करें, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। In all these four states, इन सभी चार राज्यों में सरकार बदली थी, सरकार नहीं बदली थी, एटलीस्ट मुख्यमंत्री बदले थे, सरकार भी बदली कई जगह और कहीं केवल मुख्यमंत्री बदले। तो चुनाव के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उसमें जो मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, उनके ताल्लुक में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा गलत मैच है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, परफेक्ट। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो है वो बीजेपी के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, ही इज बेसिकली फ्रॉम कांग्रेस। देन मध्य प्रदेश में मोहन यादव है ना, उज्जैन के हैं, चीफ मिनिस्टर बने। बट हम लोग जो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर विष्णु देव साय जो है ना वो बने हैं चीफ मिनिस्टर फॉर छत्तीसगढ़। सो दैट इज द रीजन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए। रीजन बीइंग इन छत्तीसगढ़ इट्स नॉट पुष्कर सिंह धामी, इट्स विष्णु देव साय हु वेंट ऑन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये हुए चार राज्यों की बात, हम लोग पांचवें राज्य की जब बात करते हैं तो मिजोरम वॉज ऑल्सो द स्टेट वेर इन इलेक्शन आर देयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। और जो नए वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं पीयू लाल धूमा। लाल धूमा जो है उनकी खुद की पार्टी है, मतलब इस पार्टी जोराम पीपल्स मूवमेंट, और ये पहले आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, मतलब ही इज एन एक्स आईपीएस ऑफिसर है ना, एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बने। अदर ऑप्शन की तरफ देखें तो एन बीरेन सिंह मणिपुर, आपको ध्यान हो तो पिछले साल में 2023 में मणिपुर में एथनिक वायलेंस वहां स्टार्ट हुई थी और कई दफा इनका नाम अपने अखबार में पढ़ा भी हो तो। फिर नेफ्यू रियो नागालैंड एंड कोंडांग संगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर है। तो दीज फाइव नेम्स, फाइव न्यू चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद दीज नेम्स आई टोल्ड यू, यू मस्ट बी एबल टू रिमेंबर। देन वी कम डाउन टू वन प्राइज वॉज गिवन टू वन ऑफ द स्पेस एजेंसी। और स्पेस एजेंसी की बात करें तो नासा, जाक्सा, इसरो एंड ईएसए। नासा इज फ्रॉम यूएसए, इसरो इंडियन है, जाक्सा जो है वो जापानीज स्पेस एजेंसी है, ईएसए इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन चार में से एक को अवार्ड दिया गया था। अवार्ड वाज गिवन बाय आइसलैंड की एक म्यूजियम होता है, उनके द्वारा अवार्ड दिया गया था। किसे दिया गया? तो अवार्ड वाज गिवन टू इसरो। नेम ऑफ द अवार्ड वाज लेफ एरिक्सन लूनर प्राइज। लूनर मतलब चंद्रमा से हम बात कर रहे हैं, रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो लेफ एरिक्सन लूनर प्राइज वॉज गिवन टू इसरो। क्यों दिया गया था? भारत द्वारा सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया, लैंड हुआ वहां पर। 23 अगस्त स्पेस डे मनाया जाता है। सो चंद्रमा के सफल लॉन्च के लिए हमें ये अवार्ड, इसरो को ये अवार्ड, आइसलैंड का एक ये म्यूजियम होता है उनके द्वारा बिस्टोपन, मतलब उनके द्वारा हमें दिया गया था, राइट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसरो होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वॉज कन्फर्म टू हू अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए पहले तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था। एंड 2021 में नाम चेंज कर लिया गया था। सो 1991-92 में अवार्ड की स्थापना की गई। फर्स्ट अवार्ड वॉज गिवन टू विश्वनाथन आनंद को यह पहला अवार्ड दिया गया था। एंड इन 2021 नेम चेंज हुआ, अवार्ड का नाम जो है वो बदल दिया गया। अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है ना। पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। और अब क्या है? अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के सबसे बड़े प्लेयर थे। एंड बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन 1928, 1932, 1936 फॉर 3 ईयर्स, मतलब लगातार भारत ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। 1940-44 में बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ओलंपिक्स नहीं हुए थे, नहीं तो वो भी शायद हम ही जीतते। उसके बाद 48 और 52 में भी हमने ही गोल्ड जीता था, राइट? अब उसको ध्यान से देखिए कि ये 21 तक तो नाम रहा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 21 के बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुके हैं। किसको दिया गया 2023 के लिए? इट वॉज गिवन टू बोथ
रानकी रेड्डी साईराज एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों को दे आर बेसिकली बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन दोनों को ये खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2023 के लिए दिया गया था, दीज टू पीपल। लास्ट ईयर तो शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर थे, तो शरद कमल अगर नाम आता है तो ध्यान रखना इनको लास्ट ईयर दिया गया था, दिस ईयर इट वॉज गिवन टू रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को दिया गया। स्टेट सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हु हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज गे मैरिज, फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज गे मैरिज इज नेपाल। नेपाल जो है वहां पर मंथ ऑफ दिसंबर में एक एक शादी संपन्न हुई है ना, इट वॉज गे मैरिज, और उसके पहले ही मतलब ये तो शादी हुई उसके बाद की बात कर रहे हैं, उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेम सेक्स मैरिज ना वहां पर ओके कर दिया गया था, है ना, एंड इट वॉज ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन फॉर सेम सेक्स मैरिज, फर्दर इन्फोर्स बाय द 2015 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहां पर किया गया। तो दैट वे नेपाल बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज गे मैरिज, है ना, पहला साउथ एशियन नेशन ये बना है। इसके बाद बात करें, अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वाज अवार्डेड 33rd व्यास सम्मान, 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, सो 33rd व्यास सम्मान वाज गिवन टू पुष्पा भारती, पुष्पा भारती उनके द्वारा एक मेमोयर लिखा गया था यादें यादें और यादें, 2016 में लिखा गया था, तो 2016 का इस कृति के लिए यादें 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 के लिए 33rd व्यास सम्मान वॉज गिवन टू पुष्पा भारती। व्यास सम्मान जो है उसकी स्थापना अगेन सेबी 91 में स्टार्ट किया गया, के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और पिछले 10 वर्षों का कार्य जो होता है बाय इंडियन सिटीजन फॉर लास्ट 10 ईयर्स वर्क, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये व्यास सम्मान दिया जाता है, राइट। चलिए, विजय हजारे ट्रॉफी वॉज वॉन बाय, सिंपल क्वेश्चन, इट वॉज वॉन बाय हरियाणा डिफीटिंग राजस्थान, हरियाणा द्वारा राजस्थान को 30 रन से हराया गया, एंड दे वेंट ऑन टू विन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर ईयर 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, अब देखिए एक होता है डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, एक होते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, और ये जब इनकी बात करते हैं तो दीज इंस्टीट्यूट्स आर टू बिग टू फॉल। टू बिग टू फॉल का क्या मतलब होता है, दे आर बिग इंस्टीट्यूट्स एंड इफ एट ऑल दे फेल दे आर गोइंग टू ब्रिंग हैवॉक इन आर इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई दे नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंगली, उनको एक रिकॉग्निशन एक दर्जा गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक केवल 3 है हमारे देश में, एक तो है SBI, है ना, सबसे बड़ा PSU बैंक, उसके बाद में HDFC एंड ICICI, दो दो प्राइवेट बैंक है, दीज 3 बैंक्स आर डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बैंक उनको हम बोलते हैं। PNB इज नॉट वन अमंग देम, हमसे पूछा ही गया था कौन सा नहीं है, तो PNB नहीं है। इसके अलावा 3 इंश्योरेंस की हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की, तो एक है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, जीवन बीमा में है, और बाकी जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस। LIC जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये दोनों ये तीनों भी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस DSIIS, और ये होता है DSIB, ये दोनों ही ध्यान रख लीजिएगा, बैंक एंड इंश्योरेंस दोनों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्रपोज टू एनहेंस द UPI ट्रांजेक्शन लिमिट, UPI ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर पेमेंट टू हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि प्रेजेंटली 1 लाख से बड़ा करके कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया। UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस केम इन ईयर 2016, 2016 में लाया गया, है ना, 2016, और वो डिमोनेटाइजेशन वाला ईयर जो अगर आपको याद हो तो, और इसके थ्रू क्या किया गया, नॉर्मली हम जो पेमेंट करते हैं NEFT RTGS चेक या किसी भी पेमेंट करें, तो हमें जिस व्यक्ति को हम पेमेंट करना चाहते हैं वी नीड टू नो द अकाउंट नंबर डिटेल्स एंड यू नो बाकी सारी मतलब उनका नाम अकाउंट नंबर सब कुछ IFSC कोड मालूम होना चाहिए। UPI के आने के बाद में फोन नंबर की जानकारी अगर आपके पास में है, फोन नंबर इज एसोसिएटेड विद सम अकाउंट, उसको एसोसिएट किया गया, तो फोन नंबर के जानकारी के द लाइट ऑफ द डिटेल्स है ना, ओनली जस्ट फोन नंबर हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशन होती है प्रत्येक महीने, फॉर एवरी मंथ सॉरी फॉर एवरी डे द हाईएस्ट लिमिट इज, मतलब जो टोटल अमाउंट हम पेमेंट कर सकते हैं दैट इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए इज लिमिट, राइट। बट कमिटी ने कुछ स्पेसिफिक केसेस में इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर एजुकेशन, किसी इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हैं फी जो हम पे करते हैं, या कि हम लोग किसी हॉस्पिटल को पेमेंट जब करना चाहते हैं, उस केस में इसे बढ़ा करके 5 लाख कर दिया, द लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज, बट इन सम स्पेसिफिक केसेस,
Right, normal limit is 1 lakh, but in specific cases of hospitals and education institutions, it has been increased to 5 lakh rupees. है ना, तो 5 लाख रुपए जो है वो नई लिमिट यहाँ पर कर दी गई है फॉर दीज स्पेशल केसेस ओनली. देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ लिथियम वो रिसेंटली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. देखिए, लिथियम अपने आप में इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज यूज फॉर मेकिंग बैटरीज, एंड विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द वे दे आर यू नो यूसेज इंक्रीजिंग, लिथियम इज बिकमिंग मोर सो इंपॉर्टेंट. अब ये न्यूज में इसलिए कि पिछले साल हमारे देश में जम्मू में 5.9 मिलियन दैट इज 59 लाख टन ऑफ लिथियम भंडार जो पाया गया था, है ना, बट ये दुनिया भर में इंपॉर्टेंट है. तो इसके जो प्रयास चल रहे हैं उस ताल्लुक में, अभी कुछ समय पहले इन मंथ ऑफ दिसंबर इट वाज फाउंड दैट 18 मिलियन नो स्टोरेज ऑफ 18 मिलियन टन ऑफ लिथियम वाज फाउंड इन कैलिफोर्निया यूएसए, है ना, एक समुद्र की जिसको बोला चाहिए बिलो दी दिस सॉल्टन सी, कैलिफोर्निया सॉल्टन सी यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द्वारा 18 मिलियन टन ऑफ लिथियम वाज फाउंड, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट बीनीथ दिस पर्टिकुलर सी. लिथियम इज इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू बिकॉज दैट इज गॉट एसेंशियल एप्लीकेशन इन रिचार्जेबल बैटरीज फॉर डिवाइसेज लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमराज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड व्हाट नॉट, दैट इज वॉट इंपॉर्टेंट. बट नॉर्मली जो देश इसमें जिनके पास में इसके भंडार अभी तक पाए गए हैं वो देश होते हैं चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इन देशों से दुनिया भर में इसे भेजा जाता है, मतलब इन पर डिपेंडेंट है. बट विद द एडवेंट ये मिल रहा है तो इट इज लाइक इनसे थोड़ी सी जो जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी. है ना, लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना होते हैं. राइट, चलिए. देन स्क्विबो रीजन इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना, दो कंट्रीज के बीच में अपने आप में न्यूज में क्यों था? क्योंकि डिस्प्यूटेड रीजन होता है. तो इट इज डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन गयाना एंड वेनेजुएला. ये देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द डिस्प्यूटेड पार्ट बिटवीन वेनेजुएला एंड गयाना, है ना, कुछ समय पहले न्यूज में था. तो आंसर हियर शुड बी सी ओनली, गयाना वेनेजुएला हमारे यहाँ पर आंसर होना चाहिए. ये आप मैप यहाँ पर देख सकते हैं. देन वी कम डाउन टू हेनरी किसिंगर हु डाइड रिसेंटली, वॉज फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस. देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री होती है ना, वैसे वहां पर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाता है ना, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया. तो इन यूएस इट इज गोइंग टू बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और हेनरी किसिंगर जो थे वो एक इंपॉर्टेंट फिगर, बड़ा व्यक्तित्व उनको मानते हैं. रीजन बीइंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर हु नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर. और यूएस और चाइना के बीच के संबंध जो बेहतर हुए हैं उनमें भी इनका बड़ा योगदान था. तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर टू डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, दो प्रेसिडेंट के अंडर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे. दीज टू प्रेसिडेंट्स वर रिचर्ड निक्सन एंड गेराल्ड फोर्ड. ये दो प्रेसिडेंट्स के अंतर कार्यकाल में ही वॉज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ही डाइड सम टाइम बैक. ही वॉज विनर ऑफ 1973 नोबल पीस प्राइज. एन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गेटिंग द नोबल पीस प्राइज, थोड़ा सा एनामोली है, थोड़ा सा अपने आप में विरोधाभास मान के चले. बिकॉज एनी वे वेन यू आर पार्ट ऑफ यूएस, वेन यू पार्ट ऑफ दिस पोलिटिकल रिजीम, तो यू मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ सो मेनी पीपल एट टाइम. राइट, राइटली सो. But then he was awarded Nobel Peace Prize for year 1973. He died some time back. Henry Kissinger का नाम होता है. Which of the following leaders called himself anarcho-capitalist? Anarchy का मतलब होता है when there is no government, when chaos is there, है ना? तो एक leader है और ये अर्जेंटीना के president हैं और खुद को anarcho-capitalist बोलते हैं. अर्जेंटीना के president मतलब Javier Milei, ना junior माने इनके पिताजी भी थे पहले president. तो वो जो है ये बने हैं सॉरी नॉट जेवियर मिले, इनके पिताजी नहीं, वो दूसरे, हम फिलीपींस वाली बात कर रहा हूँ मैं. जेवियर मिले जो है ही इज प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना एंड ही कॉल हिमसेल्फ, क्या बोलते हैं अपने आप को, ये एनार्को कैपिटलिस्ट अपने आप को कहते हैं. इसके आगे एक और क्वेश्चन रिलेटेड विल डिस्कस देन. रिसेंटली 1022 तबला प्लेयर्स वर फाउंड टुगेदर टू एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. देखिए, ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है, है ना, मध्य प्रदेश ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है, हर वर्ष कराया जाता है. मंथ ऑफ दिसंबर में समारोह आयोजित होता है और उस समारोह में एक साथ 1,282 तबला प्लेयर्स दे प्लेड टुगेदर और अपने आप में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, है ना. ग्वालियर फोर्ट ऑन दिसंबर 25th अराउंड 1,600 प्लेयर्स, मतलब मेन तो 1,282 तबला प्लेयर्स अलॉन्ग विद अदर्स 600 प्लेयर्स प्लेड तबला, सेटिंग अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग तबला टुगेदर एट वंस. और इस दिन को दिसंबर 25th को एमपी में तबला दिवस भी डिक्लेयर किया गया, है ना, तबला दिवस भी इसको डिक्लेयर किया गया है. तानसेन समारोह के दौरान
ये जिसको बोलना चाहिए ना अचीवमेंट हासिल किया गया। चलिए, विच कंट्री विल नॉट ज्वाइन द ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज? ट्रायो सेलिंग जेवियर मिले जो है वह अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है, और ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांच देशों का समूह, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। खैर, शुरुआत इसकी 2001 में नाम कॉइन किया गया, 2006 में BRI से चार देश आते हैं, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है। तो ये पांच देशों का समूह, और पांच देशों के समूह की एक समिट हुई थी कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका में। उस समिट में इस समूह को बढ़ाने की बात की गई, एक्सपांड करने की बात की गई। तो छह देशों को इसमें जोड़ने का जोड़ा गया एक तरीके से, कि फ्रॉम 1 जनवरी 2024 सिक्स मोर नेशंस आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। और ये जो छह देश थे उसमें अर्जेंटीना वॉज वन ऑफ द कंट्री, बट अर्जेंटीना ने बाद में मना कर दिया। छह देश जो थे वो इथियोपिया था, इजिप्ट था, सऊदी अरबिया था, यूएई था, ईरान था और अर्जेंटीना। सिक्स नेशन वर अबाउट टू बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स। बट ये कब की बात है, अर्जेंटीना में चुनाव हो उसके पहले, जब चुनाव संपन्न हुए और जेवियर मिलेई वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, तो जेवियर मिलेई ने अर्जेंटीना को इससे अलग कर लिया, है ना। उनके द्वारा क्या बोला गया कि वी आर नॉट गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स बीइंग एन इकोनॉमी, मतलब वहां पर क्योंकि कम्युनिस्ट नेशन चाइना इज पार्ट ऑफ इट, तो दे आर सेइंग वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिस्ट ग्रुप, वी आर क्लोज टू इजराइल, वी आर क्लोज टू यूएस, वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो उन्होंने अपने आप को इस ग्रुप से अलग कर दिया, ब्रिक्स से उनको उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। अर्जेंटीना वॉज अबाउट टू बिकम मेंबर एंड अबाउट टू ज्वाइन फ्रॉम 1 जनवरी 2024, बट ही सेज वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन ब्रिक्स नाउ। क्लियर? ही डजंट वांट टू पार्ट ऑफ अ ग्रुप व्हिच इज हेडेड बाय, मतलब व्हिच इज रिलेटेड टू चाइना। व्हिच कंट्री हैज बैंड एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन टेक्नोलॉजी? देखिए, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, इसे चाइना द्वारा अभी रिजेक्ट कर दिया गया। दे हैव बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन टेक्नोलॉजी इन ए मूव दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चाइना द्वारा अपने आप को प्रोटेक्शनिस्ट क्रिएट करते हुए उनके द्वारा ये बैन कर दिया गया एक्सपोर्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, अलॉयज जो होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन का, उनके उन पर काम करने की टेक्नोलॉजी होती है। तो खुद को एक तरीके से प्रोटेक्ट, अपने खुद के इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी पर, इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2024 एज ईयर ऑफ, अगर 24 पूछा गया है तो हमारा आंसर यहाँ पर कैमेलिड्स होना चाहिए, बट यदि आपसे 23 पूछ लिया गया तो आर आंसर शुड बी मिलेट्स, है ना। मिलेट्स कब होगा? मिलेट्स भारत के अनुमोदन पर, भारत के रिकमेंडेशन पर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 2024, तो 2024 में कैमेलिड जो होते हैं, ये ध्यान रखिए, बी मैंने टिक किया है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बी शुड बी द आंसर। कैमेलिड जो होते हैं वो ध्यान से देखें, तो दीज आर कैमेलिड्स, ना ये कैमल कैमल के आकार के जीव ये होते हैं, भारत में घर नहीं पाए जाते हैं, बट दीज आर द टाइप ऑफ मतलब एनिमल्स रिलेटेड टू कैमल्स, कैमलिड्स इनको कहा जाता है ना। और ये कैमलिड्स अपने आप में इस बार का ईयर घोषित कर दिया गया बाय यूनाइटेड नेशन। क्यों किया गया है? फॉर कंजर्वेशन, टू एम्फसाइज द क्रूशियल रोल ऑफ दीज एनिमल्स इन ग्लोबल कम्युनिटीज, दिस ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ कैमलिड्स। करेक्ट आंसर शुड बी बी इन दिस केस। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम? ओपियम मतलब अफीम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? अगर ये क्वेश्चन साल भर पहले आता तो यूजुअली इसका आंसर अफगानिस्तान होता है। अफगानिस्तान इज अ कंट्री विच प्रोड्यूसर्स, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑफ ओपियम। बट अभी कुछ समय पहले वहां की तालिबान रेजिम द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया, राइट। तो अब तालिबान के कारण, जब तालिबान ने सब बैन लगाया गया, तो नाउ म्यांमार इज बिकम द न्यू हब, न्यू प्रोडक्शन हब इन द वर्ल्ड ऑफ ओपियम। तो ओपियम मतलब अफीम की हम बात करें, तो म्यांमार इज बिकम वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ अफीम, ओवरटेकिंग अफगानिस्तान इंडिया 2023। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि 95% ऑफ डिक्लाइन ओपियम कल्टीवेशन इन अफगानिस्तान आफ्टर ड्रग बैन बाय तालिबान इन ईयर 2022। तो एक तरफ तो तालिबान ने बैन लगा दिया तो वो प्रोडक्शन वहां हुआ नहीं, दूसरी तरफ म्यांमार की जब बात करते हैं तो म्यांमार में 2021 के बाद से वहां पर मिलिट्री शासन है, जनता शासन है, और उसके अट्रोसिटीज के बाद में लोग वहां पर मजबूर हैं, अपने आप में कुछ मतलब जिसको इस तरफ मुड़ गए हैं, एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ अफीम ओपियम इन म्यांमार, वेयर ड्यू टू म्यांमार ड्यू टू पोलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, सोशल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी,
ब्रॉट अबाउट 2021 कू जो हुआ, मैंने कहा ना हुआ था, उसके बाद से वहां पर ओफिम का प्रोडक्शन जो है, फार्मिंग जो है, वो बड़ी है. और इस कारण पे जब म्यांमार हैज बिकम द नंबर वन इन टर्म्स ऑफ द ओफिम प्रोडक्शन, ओपियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर म्यांमार होना चाहिए. बेटा मेरी सॉरी, यहाँ पर सी अफगानिस्तान दिया हुआ, अफगानिस्तान इज नॉट द करेक्ट आंसर, है ना, ये नहीं है. यहाँ करेक्ट आंसर यहाँ पर म्यांमार होगा, है ना, तो इट शुड बी डी हियर, डी होना चाहिए ना, मेरी सॉरी. म्यांमार यहाँ दिया भी है डिस्क्रिप्शन में, एवरीथिंग इज क्लियर, आंसर शुड बी डी ओनली. विच कंट्री इज अनाउंस टू स्टार्ट द वर्ल्ड फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर. दुनिया का पहला फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज स्टार्टेड बाय चाइना ओनली, ना, चाइना इज स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑन न्यू जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन द वर्ल्ड. Which European country recently withdrawn from China's Belt Road Initiative, BRI, Belt Road Initiative जो था वह चाइना द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया था. एक पुराना एशियन सिल्क रूट जो होता है चाइना द्वारा, उसको रिन्यू करने का प्रयास किया गया. और क्यों किया गया था? चाइना वॉन्टेड टू मेक इनरोड्स इन वर्ल्ड इकोनॉमी, और अपने 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 जो बिजनेस है चाइना का, जो एक्सपोर्ट होता है, उसको और बेहतर करने के लिए चाइना द्वारा 2013 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद वेरियस नेशन, उनको साथ में लेकर के स्टार्ट किए गए थे. तो 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था. BRI इसको कहा जाता है, बेल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलना चाहिए. बट इनिशियली विथ लॉट लॉट ऑफ एंथुसियाज्म इट वाज स्टार्टेड, बट इवेंचुअली कई सारे देश, चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना का जो डेट चाइना क्रिएट कर रहा होता है, चाइना जिस तरीके से देशों को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहा होता है, उस ताल्लुक में मेनी कंट्रीज आर गेटिंग आउट ऑफ इट. और अभी कुछ समय पहले इटली जो है ना, फॉर्मली नोटिफाइड दैट दे आर विद्रॉइंग फ्रॉम बीजिंग्स BRI, वो अपने आप को इससे बाहर करना चाहते हैं, बिकॉज दे मे हैव गॉट दिस, यू नो, इसको बोला जी रियलाइजेशन उनको शायद हो गया है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू देम. एंड नॉट ओनली इटली, मेनी कंट्रीज आर टेकिंग सच डिसीजन दीस डेज. ये हमारा करेक्ट आंसर इटली होना चाहिए. रिक्शो पेंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज बिकम हैज बीन इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को. तो फोर ऑप्शंस, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्री की हम बात कर रहे हैं. कौन सा ऐसा देश है जहां पर रिक्शा पेंटिंग जो होती है, मतलब अपने जो वो हाथ रिक्शा ऐसा होता है, उसको प्रॉपरली सजाया जाता है, इट इज डेकोरेटेड विद कलरफुल, यू नो, जिसको बोला पेंटिंग्स एंड ऑल, किस देश में होता है? तो इट इज फ्रॉम बांग्लादेश. ये इमेज आप यहाँ देख सकते हैं, दिस दिस रिक्शा एंड रिक्शा पेंटिंग ऑफ ढाका, इसमें स्पेसिफिकली कहा जाता है कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में इसको जोड़ा गया. ढाका रिक्शा और रिक्शा चित्र इसको कहा जाता है, और इसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को की जोड़ा गया है. इस इमेज के इज क्लियर टू यू? इट इज इन बांग्लादेश, ढाका ओनली, है ना. एन ओरल सस्पेंशन ऑफ 6 मार्कोटोपोरिन हैज बीन डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सम टाइम बैक. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसे कुछ समय पहले रिलीज किया गया था, है ना, बाय टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इसको क्रिएट किया गया है. इट हैज बीन रिलीज सम टाइम बैक. तो आंसर शुड बी कैंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज कॉन्स्टिट्यूट कमिटी टू आइडेंटिफाई विच हाउ मेनी वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर अराउंड अक्रॉस इंडिया. तो देर वॉज 75 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर, है ना, 75, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के ताल्लुक में 75 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं देश भर में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अयोध्या एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर. अयोध्या एयरपोर्ट जो है किसके नाम पर नामकरण किया गया है? देखिए, इसे किया गया महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, है ना, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट जो है, जिनके द्वारा रामायण की लिखी गई थी, है ना, ओरिजिनल, तो उनके नाम पर दिस एयरपोर्ट ऑफ अयोध्या हैज बीन रीनेम्ड नाउ, है ना. चलिए, देन वो सेकेंड ओवर टू अज्यूम द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द दिल्ली पुलिस. देखिए, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, है ना, इन पार्लियामेंट, वेर इन 3 पीपल गॉट इन टू द पार्लियामेंट, और ये इंपॉर्टेंट, एक सीरियस ब्रीच इसको माना गया है, राइट. तो वहां पर जो अभी तक की जो सिक्योरिटी जो वो थी, बेसिकली जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट वॉज अंडर दिल्ली पुलिस. नाउ दिल्ली पुलिस से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के CISF को दे दी गई है ना. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपको ध्यान हो तो जितने हमारे एयरपोर्ट्स नॉर्मली इनके अंतर्गत सुरक्षा में दिए जाते हैं, हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जो जो सेटलमेंट जो है, बेसिकली हमारे जो यूनिट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी CISF द्वारा की जाती है. तो नाउ फॉर इवन पार्लियामेंट द सिक्योरिटी विल बी टेकन केयर बाय
द CISF ओनली, है ना, इनके द्वारा ये सिक्योरिटी जो इशू होगा, मतलब एक तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा इनको हैंडओवर कर दिया गया है ना, ये ब्रीच के बाद में ये डिसीजन लिया गया है ना। दे आर गोइंग टू प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सेफ गार्डिंग द पार्लियामेंट बिल्डिंग, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट चेंज है ना सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो कि पहले दिल्ली पुलिस के पास होता था, इस ब्रीच के बाद में इन्हें ट्रांसफर कर दिया जा रहा है ना। चलिए, देन इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सर्कुलर रेलवे का मतलब होता है कि देखिए, आपने मुंबई या कई सारे स्थान पर देखा हो तो टर्मिनस जैसा होता है, टर्मिनस का मतलब होता है कि डेड एंड जैसा ही कहा जाता है, राइट, कि अ ट्रेन विल स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सिटी, इट विल गो टू द लास्ट पॉइंट एंड अगेन दे आर गोइंग टू गो बैक, मतलब एक ही रेलवे लाइन जो होते हैं उस पे दे आर ट्रेवलिंग, राइट। जैसे अगर मुंबई की हम बात करते हैं तो वहां पर द ट्रेन विल स्टार्ट फ्रॉम विरार, तो फ्रॉम विरार टू इट विल गो टू चर्च गेट, एंड फ्रॉम चर्च गेट अगेन इट विल गो टू विरार, राइट। बट अगर हम सर्कुलर रेलवे की बात करें तो सिटी के आसपास एक पूरी परिक्रमा लगाने जैसा होता है ना, उसको सर्कुलर रेलवे हम कहेंगे। और अभी तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्कुलर रेलवे वॉज इन चेन्नई, अब उसको सरपास करते हुए बैंगलोर में सर्कुलर रेलवे की बात की जा रही है। तो इंडिया लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड इन सिटी ऑफ बैंगलोर, अर्लियर इट वॉज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे इन सिटी ऑफ चेन्नई वॉज देयर। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं सिटी ऑफ बैंगलोर, जिसमें पूरे तरीके से पूरा सिटी को कवर करके अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, सच सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलर रेलवे, है ना। तो इट इज गोइंग, मतलब प्लानिंग ऑफ अराउंड 287 लॉन्ग सर्कुलर रेलवे इज बीइंग डन। अर्लियर इट वाज चेन्नई विद 235 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे, जिससे सरपास करके नाउ बेंगलोर विल बिकम द नंबर वन, बेंगलोर मतलब इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कुलर रेलवे, है क्लियर। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश में, एस्टेब्लिश किया जाएगा इन सिटी ऑफ सहारनपुर, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। देखिए, भारत में इसके पहले देर वर 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसमें हम बोले तो कुंभ मेला जो होता है, या हम दुर्गा पूजा कलकत्ता की बात करें, तो उसे इंटेंजिबल यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। विद दी गरबा को मिला लिया जाए तो नाउ देयर 25 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, 15 जो है पॉइंट देख रहे हैं ना, दे बीन इंक्लूडेड नाउ। तो इसकी शुरुआत देखें तो 2008 वाज रामलीला, एंड फ्रॉम दैट रिसेंटली अगर देखें तो कुंभ मेला, दुर्गा पूजा इंक्लूड किया गया, नाउ 15th इज गरबा ऑफ गुजरात, विच हैज बिकम पार्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। देन वेयर विल बी द वर्ल्ड्स हाइएस्ट फाइटर एयरफील्ड विल बी बिल्ड। तो लद्दाख में वर्ल्ड्स हाइएस्ट फाइटर एयरफील्ड इज बींग बिल्ड बाई BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची है ना हाइएस्ट फाइटर एयरफील्ड इज बींग एस्टेब्लिश इन न्यूमा लद्दाख, न्यूमा लद्दाख में इसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हु सेट द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी। रीडिंग एक्टिविटी मतलब कई सारे पेरेंट्स दे गैदर टुगेदर एट वन प्लेस एंड दे स्टार्टेड रीडिंग टू देयर किड्स इन सिटी ऑफ पुणे, है ना। पुणे में करीब करीब 3,000 पेरेंट्स दे गैदर द सेम प्लेस एंड दे रेड टू, मतलब टोटल ऑफ 3,066 पेरेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट गैदरिंग टू रीड अलाउड टू देयर चिल्ड्रन एंड क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कहां पर किया गया? तो पुणे में इसे किया गया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होता है। When the kids, the students, the parents gathered and they started reading out to their kids, you know. Prime Minister Narendra Modi inaugurated world's largest office complex in which of the following place? तो सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा office complex PM मोदी द्वारा inaugurate किया गया था। You can see this place. This is the long, the इसको बोला जाता है largest office complex in the world. इसके पहले US में होता था, है ना, जो पेंटागन बिल्डिंग वहां पर होती है, जो यूएस आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, दैट वाज द लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो सरपासिंग यूएस पेंटागन, सूरत में जिसको ये डायमंड बोस जो कहा जाता है, सूरज डायमंड बोस जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो अपने आप में बना है। दिस प्लेस यू कैन सी इट इज दीज मेनी बिल्डिंग्स एंड सिंगल प्लेस पर इतना बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स ना स्टार्ट किया गया है। Then in the city did PM Modi inaugurate world's largest meditation center. तो दुनिया का सबसे बड़ा meditation center वाराणसी में स्थापित किया गया, उमराहा वाराणसी, world's largest meditation center, स्वर वेद महामंदिर से कहा जाता है, इन सिटी ऑफ वाराणसी। कुछ समय पहले डिसंबर 18 को PM मोदी द्वारा यहाँ इनोग्रेट
किया गया है ना। देन विच हैज बिकम फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन एन ईयर, एक वर्ष में 100 मिलियन पैसेंजर्स वाली एयरलाइन बनी है इंडिगो, है ना। फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर, है ना। तो इंडिगो हैज बिकम फर्स्ट सच इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन वन ईयर। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन ईयर 2024। देखिए है क्वेश्चन बेसिकली जनवरी वाला, बट दिसंबर में डिसाइड हो चुका था हु इज गोइंग टू कम, दैट इज व्हाई उसको दिसंबर इंक्लूड किया गया है। कौन आया था? तो एमिनल मैक्रोन जो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ही वेंट ऑन टू बिकम द चीफ गेस्ट फॉर ईयर 2024, है ना। इसके पहले 2030 की हम बात करें तो 2030 में अब्दुल फतेह अल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है वो आए थे। 2023 की बात करें, 2023 में सॉरी इसके 2023 में अब्दुल फतेह सीसी, 21 और 22 में बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन देर वर नो चीफ गेस्ट देयर। बट उसके पहले जेल बोल्सोनारो जो ब्राजील के प्रेसिडेंट होते थे उस समय, ही वॉज देयर। ये इजिप्ट एंड सिरिल रामाफोसा, ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो दीज वर द चीफ गेस्ट, हर साल चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं, उसमें इस बार एमैनुअल मैक्रॉन थे। और ये छठे, ही वॉज द सिक्स्थ फ्रेंच लीडर, है ना। इसके पहले जैकस चिराग 1998 और 1976, 76 में जब हमारे देश में एमरजेंसी लगी थी तब जैकस चिराग आए थे एज प्राइम मिनिस्टर। इन 1998 बिफोर पोखरण, इन 1998 अगेन ही केम एज अ प्रेसिडेंट। एंड नाउ फ्रॉम सेम फ्रांस, बिकॉज फ्रांस इंडिया अपने आप में जो बिन ग्रेट फ्रेंड्स टू इच अदर एंड वेरी टफ टाइम वी स्टूड बाई इच अदर। तो इस बार एमैनुअल मैक्रॉन जो है वो, इसके पहले यूएस जो बाइडेन को खैर आमंत्रित किया गया था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इनवाइट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ चुनाव एंड ऑल। तो एमैनुअल मैक्रॉन अल्टीमेटली ही केम टू इंडिया ऑन 26 जनवरी, जो हमारे रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें चीफ गेस्ट थे पिछले साल अब्दुल फतेह अल सीसी। एंड उनके दो पहले 2 सालों में देखें तो कोविड के कारण पर चीफ गेस्ट नहीं आमंत्रित किए गए थे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज स्किल्स रिपोर्ट विच हैज बिकम द मोस्ट रिफर्स स्टेट इन इंडिया, तो ऑब्वियसली कर्नाटका बैंगलोर की हम बात करें तो कर्नाटक हैज बिकम दी सॉरी वेरी सॉरी केरला इज द मोस्ट प्रिफर्ड सिटीज इन इंडिया फॉर द स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार देखें तो केरला इज मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट इन आर नेशन, है ना। देन वी कम डाउन टू कर्नाटका, एक्चुअली बैंगलोर जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ताल्लुक में हम जब बात करते हैं तो वहां पर कर्नाटका बैंगलोर वॉज नंबर वन, दैट इज आई वॉज कंफ्यूज। केरला की बात करें तो केरला में स्किल्स के ताल्लुक में दीज टू सिटीज यू टोल्ड। देन इन विच सिटी विल द कंट्रीज फर्स्ट एआई सिटी विल बी एस्टेब्लिश, तो कंट्रीज फर्स्ट एआई सिटी विल बी एस्टेब्लिश इन सिटी ऑफ लखनऊ, उत्तर प्रदेश में देश की पहली एआई सिटी जो है ना वो स्थापित की जा रही है। टू क्रिएट अ वाइब्रेंट हब फॉर एआई इनकॉर्पोरेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू प्रॉमिस इनोवेशन एंड कल्टिवेट फ्यूचर वर्क फोर्स रिलेटेड टू एआई इज बीइंग सेटअप इन सिटी ऑफ लखनऊ, राइट। देन रिसर्चर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया नेम्ड आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे देश के पहले नोबेल प्राइज विनर थे, और उनके नाम पर एक बैक्टीरिया जो है ना वहाँ की यूनिवर्सिटी जो होती है विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांतिनिकेतन में जो है उनके साइंटिस्ट द्वारा उनकी टीम के द्वारा ये पेंटोयू टैगोरी अपने आप में इंपॉर्टेंट जिसको बोलना चाहिए कल दिस बैक्टीरिया हैज बीन डिस्कवर्ड बाय देम। तो हमारा आंसर जो है वो विश्व भारती होना चाहिए ना, पेंटोयू टैगोरी इज द बेस्ट बैक्टीरिया स्टेन उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है। देन वाज मेड इन चन्नापटना नियर हियर मतलब यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ कर्नाटक, है ना। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस एकेडमिक एक्टिविटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो अफगानिस्तान में जो देखिए ये एक पुराना आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो दिस इज द टाइप ऑफ टॉयज, ये लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं एंड दे आर फेमस फ्रॉम कर्नाटक, इसको जीआई टैग भी दिया हुआ है ना। इन खिलौनों को अफगानिस्तान में उनके करिकुलम में मतलब इसको एकेडमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड किया गया है। वेयर इन अफगानिस्तान दीज आर द दिस वुडन टॉयज बेसिकली फ्रॉम कर्नाटक एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन दी चिल्ड्रंस एकेडमिक एक्टिविटीज इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इसको इंक्लूड किया गया। फिर आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी दैट इज अमृत वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, दैट वॉज डेवलप्ड बाय IIT मद्रास द्वारा इसको डेवलप किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज डेवलप्ड आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल
इंडियन टेक्नोलॉजी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट एंटिटी टू लिस्ट दी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसका ये मतलब है कि यू कैन इन्वेस्ट मनी इन सम एनजीओ और सम ऐसी सम सम ऐसी सम सम सच इंस्टीट्यूट एजेंसी हु इज डूइंग सम सोशल वर्क, है ना। उसमें अगर फंडिंग करनी है और किसी सोशल इंस्टीट्यूट को अपने लेवल पर पैसा उगाना है या जिसको बोला जनरेट करना है फंड, तो उस ताल्लुक में स्टॉक एक्सचेंज, है ना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोला जाता है, वो स्टार्ट किया गया था बाय उन्नति फाउंडेशन, ना। फर्स्ट एंटिटी टू लिस्ट ऑन दिस नहीं, बट द फर्स्ट एंटिटी टू लिस्ट इन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज बाय उन्नति फाउंडेशन। देन इंडिया हैज बीन रैंक्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ 64 इकोनॉमीज वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। तो वी वर रैंक्ड एट 49th पोजीशन। देन हु हैज बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हुज पर्सनल YouTube चैनल हैज रीच 20 मिलियन सब्सक्राइबर। 20 मिलियन सब्सक्राइबर रीच करने वाला लीडर की बात करें तो नरेंद्र मोदी, आरपीएम मोदी हैज रीच्ड 20 मिलियन सब्सक्राइबर। मतलब उनका जो यूट्यूब चैनल की हम बात करें तो उसमें 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इनफैक्ट अब तो और भी हो चुके हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली, है ना। सो 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाला पहले वर्ल्ड लीडर इज आरपीएम नरेंद्र मोदी। 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स जो हैं, मोर देन 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स, है ना। देन वी टॉक अबाउट हु अमंग द फॉलोइंग टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन। उसमें देखिए दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला हो सकता है कि मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, और दूसरा हो सकता है मोस्ट पावरफुल फ्रॉम इंडिया, है ना। तो मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड इज उर्सुला वॉन डेर लेन। ये यूरोपियन कमीशन के चीफ हैं और ये एंजेला मार्केल की सरकार में वहां की डिफेंस मिनिस्टर, मतलब वहां की लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर रह चुकी हैं। और लास्ट 6 सालों की अगर बात करें, 2019 की हम बात करते हैं, तो तब ये वहां की डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी। तो जुलाई 2019 से प्रेजेंटली शी इज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, है ना। एंड अंटिल फ्रॉम 2005 से लेकर के 19, अराउंड 14 इयर्स शी वाज मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ एंजेला मार्केल, है ना। जर्मन चांसलर जो रह चुके हैं उनकी कैबिनेट में लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर शी वाज। और लास्ट 6 साल में शी वाज जर्मनीज डिफेंस मिनिस्टर, है ना। और अभी जो है शी इज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो शी इज उर्सुला वॉन डेर लेन, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन, है ना। अब भारत के ताल्लुक में देखें, इंडिया के ताल्लुक में बात करें, तो भारत में इट इज निर्मला सीतारमन, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है। एंड निर्मला सीतारमन इज आर कंट्रीज फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, वुमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, महिला फाइनेंस मिनिस्टर। एंड एज वेल एज शी वॉज आर फर्स्ट फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर, वुमेन डिफेंस मिनिस्टर। बिकॉज इन बोथ द केसेस इंदिरा गांधी वॉज आर फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरन मिनिस्टर, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, बट शी वॉज ऑल्सो आर प्राइम मिनिस्टर। तो अगर पहला पूछते हैं तो इंदिरा गांधी आता है, बट अगर फर्स्ट फुल टाइम पूछते हैं तो इट शुड बी निर्मला सीतारमन, बोथ इन केस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। एंड एट प्रेजेंट शी इज एट 32nd पोजिशन। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये दुनिया भर में 32वीं पोजीशन पर है, बट भारत की सबसे सशक्त महिला, मोस्ट पावरफुल वुमेन फ्रॉम इंडिया। तो अगर इंडिया पूछते हैं तो हमारा आंसर निर्मला सीतारमन होना चाहिए, अगर वर्ल्ड पूछते हैं तो हमारा आंसर जो है वो उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि प्रेसिडेंट रही है इलेक्शन, सॉरी यूरोपियन कमीशन की। विच कंट्री रिसेंटली क्लेम टू हैव सेंट एनिमल्स टू स्पेस, है ना। तो ईरान द्वारा एक तैयारी के तहत, है ना, एनिमल्स को कैप्सूल के थ्रू, मतलब सेंट अ कैप्सूल इनटू ऑर्बिट कैरिंग एनिमल्स प्रिपेयर फॉर ह्यूमन मिशंस इनटू कमिंग ईयर्स। तो ईरान द्वारा कुछ समय पहले भेजा गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज हु इज व्हिच कंपनी सीईओ लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एआई लैंग्वेज मॉडल, कृत्रिम, है ना। एआई जैसे चैट जीपीटी होता है या जेमिनी होता है ना, या कि फिर अभी जो को पायलट आया है, वैसा भारत का पहला एआई मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका नाम जो है वो कृत्रिम है, नेम इज कृत्रिम, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। इट वॉज लॉन्च बाय ओला, है ना, ओला के जो चीफ हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, है ना। तो इट इज कृत्रिम अ न्यू एआई मॉडल, फर्स्ट एआई मॉडल फ्रॉम इंडिया, तो इट लॉन्च बाय ओला, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। बीसीसीआई रिसेंटली डिसाइडेड टू रिटायर जर्सी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर। किस क्रिकेटर की जर्सी को कुछ समय पहले बीसीसीआई द्वारा रिटायर किया गया, एंड ही हैज बिकम द ओनली सेकंड क्रिकेटर। इसके पहले सचिन की जर्सी जो थी, जो नंबर 10 जर्सी जो थी, उसे रिटायर किया गया। इसका मतलब होता है कि कोई भी दूसरे प्लेयर को जर्सी अलॉट नहीं की जाएगी इन द मार्क ऑफ ट्रिब्यूट एंड रिस्पेक्ट। तो इट वॉज सचिन अर्लियर विथ नंबर 10 एंड नाउ MS धोनी विथ नंबर 7। तो 7 नंबर की जर्सी जो धोनी द्वारा पहनी जाती है ना, वो जर्सी जो है बीसीसीआई द्वारा कुछ समय पहले उसे रिटायर कर दिया गया है ना। विशेष रिटायर्ड आइकोनिक नंबर 7 जर्सी ऑफ MS धोनी, है ना। इसके पहले
नंबर 10 जर्सी ऑफ सचिन वाज आल्सो रिटायर्ड बाय बीसीसीआई, तो इज ओनली सेकंड प्लेयर. इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, धोनी यूज टू वेयर दिस जर्सी नंबर 7 एंड सचिन यूज टू वेयर दिस जर्सी नंबर 10. बोथ हैव बीन रिटायर्ड, नो अदर प्लेयर इज गोइंग टू वेयर दिस टू. ये क्लियर. देन वी कम टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आनंद मैरिज एक्ट वॉज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, वॉज अ बिग डिमांड बाय देयर सिख कम्युनिटी. तो सिक्किम इंडिकेट्स ताल्लुक में लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ सिख कम्युनिटी फॉर सिख मैरिज रिचुअल्स, जो स्पेसिफिकली आनंद मैरिज एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उसे वहां पर इम्प्लीमेंट किया गया. विद दिस वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज लेकाडोंग टर्मरिक, जो वन ऑफ द वेरी हाई क्वालिटी टर्मरिक इन द वर्ल्ड, वो रिसेंटली गिवन जी आई टेक, है ना, जी आई टेक दिया गया था. कहाँ से था? तो इट बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ मेघालय, है ना. मेघालय की होती है लेकाडोंग टर्मरिक एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट वेराइटीज ऑफ टर्मरिक. हल्दी जो होता है ना, उसमें ये क्यूमिन की जो कंटेंट होता है हाईएस्ट होता है. इट इज डार्कर इन कलर एंड ग्रोन ऑर्गेनिकली विदाउट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर. इट वॉज अलॉटेड जी आई टेक सम टाइम बैक, है ना. तो विद दिस आई कंक्लूड माई टूडेज डिस्कशन. दीज वर द 50 क्वेश्चन फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर. होपफुली यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल इनफ. फाइंड दिस वीडियो यूजफुल इनफ, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. वी आर गोइंग टू मीट अगेन विद कमिंग लेक्चर्स. एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मंथ ऑफ जैन, फेब, मार्च एंड अप्रिल इन टाइम टू कम. With this, I conclude my discussion. Thank you very much. Thanks a lot.